दिल्ली में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात। मूलचंद फ्लाईओवर के पास कारोबारी से 8 करोड़ रुपए लेकर भागे बदमाश। वैगनार में सवार बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। अपनी गाड़ी छोड़ कारोबारी की होंडा सिटी में फरार हुए। होंडा सिटी कार में कारोबारी के साथ 4 लोग सवार। मूलचंद फ्लाईओवर के पास बदमाशों ने जबरन रोकी गाड़ी। हथियार के दम पर बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। घटना के बाद इलाके में हड़कंप। वैगनार कार में सवार थे करीब 5 बदमाश। वारदात के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। राहुल गांधी ने गुजरात दंगों के लिए मोदी को ठहराया जिम्मेदार। कहा दंगे में शामिल थी उस समय की सरकार। 1984 दंगों पर राहुल ने कांग्रेस सरकार का किया बचाव। कहा कांग्रेस सरकार ने दंगे रोकने की थी कोशिश। राहुल ने टीवी इंटरव्यू में सिस्टम बदलने पर दिया जोर। कहा चुनाव हारा तो लूंगा जिम्मेदारी। मोदी पर राहुल के हमले के बाद बीजेपी आग बबूला। रविशंकर प्रसाद ने कहा इससे साफ होता है कि राहुल के पास भ्रष्टाचार, महंगाई और सरकार की नाकामी का नहीं है कोई जवाब। सिख दंगे में कांग्रेस सरकार को पाक साफ बताने पर राहुल को अकाली दल ने निशाने पर लिया। प्रवक्ता डीएस चीमा ने पूछा 30 साल बाद भी गुनहगारों को क्यों बचा रहे हैं राहुल गांधी। दिल्ली कैबिनेट से जल्द मिल सकती है लोकपाल ड्राफ्ट को मंजूरी। मसौदे में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद तक का प्रावधान। केजरीवाल ने फरवरी में लोकपाल बिल पास करने का किया ऐलान। कई मायनों में खास है दिल्ली का लोकपाल बिल। आरोप साबित होने पर भ्रष्ट अधिकारियों को उम्र कैद तक की सजा, कम से कम 6 महीने जेल का प्रावधान। लोकपाल के पास जांच के साथ ही अफसर को निलंबित करने का अधिकार। भ्रष्टाचारियों से 5 गुना ज्यादा वसूली का भी इंतजाम। शिकायत मिलने पर कार्रवाई में देरी हुई तो अधिकारी को अपनी तनख्वाह से भरना होगा जुर्माना। हर रोज देरी पर 500 रुपए कटेंगे। केजरीवाल के लोकपाल बिल के ड्राफ्ट में है कुल 16 चैप्टर, 1 चेयरमैन और 6 से 10 सदस्यों के साथ होगा दिल्ली में लोकपाल का गठन। मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष, 2 जज के अलावा कुल 7 सदस्यों की कमेटी चुनेगी दिल्ली का लोकपाल। 5 साल तक होगा चेयरमैन और सदस्यों का कार्यकाल। पद से हटने के बाद लोकपाल के चेयरमैन और सदस्य 5 साल तक नहीं लेंगे कोई लाभ का पद। संसद, विधानसभा और अन्य चुनाव लड़ने पर भी 5 साल तक पाबंदी। साजिश के तहत लोकपाल से शिकायत की तो मिलेगी कड़ी सजा। 5 लाख का जुर्माना या 1 साल की हो सकती है जेल। किसी भी शिकायत की जांच होगी 6 महीने में पूरी। विसल ब्लोअर को खतरा हुआ तो फास्ट ट्रैक होगी कार्रवाई, यानी 3 महीने में जांच। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का आज 1 महीना पूरा। आज जनता के सामने काम का रखा जाएगा लेखा जोखा। आम आदमी पार्टी की सरकार के 30 दिन पूरे होने पर आज तक से केजरीवाल ने की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा जन लोकपाल कानून बनाने के लिए अभी 15 दिनों का समय और लगेगा। और टाइम लग रहा है, मैं मानता हूँ हमने 15 दिन कहा था, 1 महीना हो गया, अभी 10-15 दिन और भी लग सकते हैं, लेकिन हम लगे हुए हैं। जल्दी मिलेगा, स्वराज का कानून भी मिलेगा और लोकपाल बिल भी मिलेगा, कमिटमेंट है हम। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में केजरीवाल ने सोमनाथ भारती का बचाव किया। कहा ऐसे सबूत नहीं कि मंत्री पद से हटाने की जरूरत पड़े। लेकिन मुख्यमंत्री और कानून मंत्री को हाईकोर्ट का नोटिस। अर्जी में दोनों का चुनाव रद्द करने की मांग। बीजेपी नेताओं ने दायर की याचिका। दस साल बाद खत्म हुआ दिग्विजय सिंह का सियासी वनवास। मध्य प्रदेश में बने राज्यसभा उम्मीदवार। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा 65 की उम्र पार करने के बाद नेताओं को करना चाहिए राज्यसभा का रुख। केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा को हरियाणा से राज्यसभा का टिकट। संजय सिंह को असम से राज्यसभा भेजने की तैयारी। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री गुजरात से राज्यसभा के लिए फाइल करेंगे नॉमिनेशन। राज्य की 4 सीटों में से 1 कांग्रेस के पास।
राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने से नीतीश से नाराज जेडीयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर, नीतीश के कामकाज पर उठाए सवाल। बीजेपी ने हिमाचल में शुरू किया एक नोट कमाल का वोट कैंपेन, मोदी के नाम पर मांगे जा रहे हैं वोट। हिमाचल बीजेपी के प्रभारी बलवीर पुंज ने की अभियान की शुरुआत, घर घर जाकर मोदी के नाम पर मांगेंगी चंदा। चुनाव में धन की भी आवश्यकता होती है, ये एक किस्म से यज्ञ है और जिसमें हर नागरिक अपनी आहुति डाले। सोमवार को लंदन के मिडल टेंपल में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सम्मान, वकालत की पढ़ाई करने यहीं गए थे पटेल। समारोह में ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल भी मौजूद, पटेल को बताया तेजतर्रार शख्सियत। बिहार के किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शिलान्यास पर सियासत, कांग्रेस और जेडीयू के बीच क्रेडिट लेने की होड़। सोनिया गांधी करने वाली है एएमयू का शिलान्यास, 30 जनवरी को है किशनगंज का दौरा। 4 महीने बाद चुपके चुपके मुजफ्फरनगर दंगा प्रभारी, प्रभावित इलाकों में पहुंचे अमर सिंह और जयप्रदा, राज्य सरकार को कोसा। अपने जन्मदिन के मौके पर दंगा पीड़ितों के बीच आए थे अमर सिंह, कहा मेरी आंखों में बची है शर्म, मैं मुलायम की तरह नाच गाना नहीं देख सकता। मैंने भी अपना जन्मदिन मनाया क्योंकि आप पे शर्म है, आप यहाँ करा रहे हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं और मैं बड़ा केक काटूं, हैप्पी बर्थडे टू यू, शर्म की बात है। हम केक नहीं काट सकते, हम माधुरी दीक्षित का और मनिका का रक्स नहीं देख सकते। अंडमान में हुए नाव हादसे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी, हादसे की वजह लापरवाही की कही गई थी बात। अंडमान में हुए दर्दनाक हादसे की सामने आई तस्वीर, 20 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत। हादसे पर स्थानीय प्रशासन ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट, रात के काम में देवी का कोई जिक्र नहीं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अंडमान में हुए हादसे पर जताया गहरा दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए कोलकाता में कैंडल मार्च, सैकड़ों लोगों ने की शिरकत। दिल्ली के अमर कॉलोनी में झुग्गियों में रहने वाली 6 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला आया सामने, पड़ोस में रहने वाले 17 साल के लड़के पर लगे आरोप, पुलिस तलाश में जुटी। सोमवार दोपहर अमर कॉलोनी में एक मंदिर के पास बदहवास हालत में मिली बच्ची, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने अस्पताल में करवाया भर्ती, रेप की भी पुष्टि। जयपुर में एक बीटेक की छात्रा ने लगाया आईएएस अधिकारी पर रेप का आरोप, महेश नगर थाने में एफआईआर दर्ज। पीड़ित छात्रा के मुताबिक आईएएस परीक्षा पास कराने का झांसा देकर आईएएस अधिकारी ने किया रेप, इसी युवती ने पिछले साल एक पेइंग गेस्ट के मालिक पर भी लगाया था रेप का आरोप। देहरादून में 8 साल की महिला के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में 2 लोगों को फांसी, पीड़ित के परिवार वालों ने जताया संतोष। बैंगलोर में यौन उत्पीड़न के आरोप में सेना के जवान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 14 साल की बच्ची के साथ वारदात को दिया था अंजाम। अभिनेत्री जिया खान की मौत को लेकर अब अमेरिका भी गंभीर, एफबीआई ने इस मामले में सीबीआई को लिखा पत्र। पुरुलिया में एक बार फिर नवजात की मौत का मामला आया सामने, 24 घंटे के भीतर 7 नवजात की मौत। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, NS-24 में डॉक्टर और ड्राइवर का किया अगवा। गाजियाबाद के लोनी में 12 घंटे के अंदर 2 हत्याएं, दोनों ही पेशे से प्रॉपर्टी डीलर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में किया बढ़ोतरी का ऐलान, CRR में कोई बदलाव नहीं। RBI ने रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की, रिजर्व रेपो रिवर्स रेपो रेट भी बढ़कर 7% हुआ। RBI के मुताबिक का वित्तीय वर्ष 2015 में GDP ग्रोथ 5-6% रहने का अनुमान, महंगाई दर बढ़ने का जोखिम बरकरार। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए अनोखा अभियान, गंगोत्री से गंगा सागर तक यात्रा पर निकले लोग।
हरिद्वार इलाहाबाद बनारस होते हुए पटना पहुंची यात्रा 12 फरवरी को गंगा सागर के पहुंच पर होगा समापन। इक्यावन साल बाद मुंबई में लता मंगेशकर ने फिर गाया ए मेरे वतन के साथियों। मंच पर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी थे मौजूद। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स में चढ़ा देशभक्ति का रंग, 1,00,000 लोगों ने ए मेरे वतन के लोगों का गीत गाया। इस आयोजन में परमवीर चक्र, महावीर चक्र और दूसरे वीरता पुरस्कारों से सम्मानित 100 से ज्यादा सैनिकों और शहीदों के परिवार वाले भी थे मौजूद। मोदी ने किया वीरों के परिवारों का सम्मान। मशहूर कवि प्रदीप ने लिखा था ए मेरे वतन के लोगों। पहली बार 27 जनवरी 1963 के दिन पंडित नेहरू की मौजूदगी में लता ने गाए थे गीत। न्यूजीलैंड में भारत पर सीरीज हार का खतरा, चौथे वनडे में जीत की ओर न्यूजीलैंड। दो सौ 79 रनों के जवाब में न्यूजीलैंड ने 208 रनों पर 3 विकेट खो चुके हैं और जीत के लिए चाहिए 71 रन। न्यूजीलैंड की ओर से रॉस टेलर और विलियमसन की शानदार बल्लेबाजी, विलियमसन 60 रन बनाकर रन आउट। दो विकेट गिरने के बाद रॉस टेलर और विलियमसन ने टीम को संभाला, दोनों के बीच 130 रनों की साझेदारी। मोहम्मद शमी और वरुण एरोन को अब तक एक एक सफलता, बाकी के गेंदबाजों ने किया निराश। हैमिल्टन में टॉस जीतकर भारत ने की पहले बल्लेबाजी, 5 विकेट खोकर बनाए 278 रन। आखिरी 10 ओवर में भारत की धुआंधार बल्लेबाजी, धोनी और जडेजा ने मिलकर 100 रन बनाए। हैमिल्टन में कप्तान धोनी का गर्जा बल्ला, 73 गेंद पर 79 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे। ऑकलैंड के बाद जडेजा ने हैमिल्टन में भी बल्ले से किया कमाल, 54 गेंदों पर 62 रन बनाकर नाबाद रहे। धोनी और जडेजा ने मैदान के चारों ओर लगाए शॉट्स, दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 127 रनों की साझेदारी हुई। लंबे समय से बड़ा स्कोर नहीं बना रहे रोहित शर्मा ने इस बार दिखाया दम, 4 छक्के और 4 चौकों की मदद से बनाए 79 रन बनाए। चौथे वनडे में टीम इंडिया की खराब शुरुआत, रोहित के साथ ओपनिंग करने आए कोहली सिर्फ 2 रन बनाकर आउट। 22 के स्कोर पर भारत को लगा दूसरा झटका, जिनके रहाणे 3 रन बनाकर मिल्स का शिकार बने। तीसरे विकेट के लिए रोहित और अंबाती रायडू के बीच 79 रनों की साझेदारी, रायडू 37 रन बनाकर लौटे पर गए। हैमिल्टन में सुरेश रैना और शिखर धवन की टीम को टीम से बाहर बिठाया गया, उनकी जगह अंबाती रायडू और स्टुअर्ट बिन्नी को मौका मिला। ब्राजील में एक साल पहले नाइट क्लब हादसे में मारे गए लोगों को किया गया याद, सांता मारिया में 242 लोगों की हो गई थी मौत। यूक्रेन में गिरफ्तारी से बचने के लिए छुप छुपाकर इलाज करवा रहे हैं प्रदर्शनकारी, पिछले हफ्ते सरकार विरोधी प्रदर्शन में हो गए थे घायल। ट्यूनिशिया को मिला नया संविधान, 3 साल पहले राष्ट्रपति बेन अली को बेदखल करने के बाद वहां की संसद ने नए संविधान पर लगाई मुहर। चीन के ऐतिहासिक बाओजिंग डोंग गांव में एक महीने के अंदर दूसरी बार लगी आग, 100 से भी ज्यादा घर तबाह। रूस की राजधानी मॉस्को में -15 डिग्री तापमान में बर्फ का अनोखा खेल, लोगों ने बर्फ से बनाई स्नोमैन की तरह तरह की आकृतियां।